हमारे पालिक सभा के अध्यक्ष सांसद जी से निवेदन है कि बीएल पालिक साहब का मोहला जी मोड़ेला से निवेदन है कि आरएलपी के कार्य कृष्ण जी का चल का कटौता के सम्मान करें। राज्य मंत्री हरीश चौधरी साहब कुमार साहब हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मनोज सिंह जी दलित समाज के बड़े नेता बीएल पाटिल साहब ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष वही हनुमान जी पार्षद मेरे सामने उपस्थित श्री कुमार साहब ये वार्ड भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा वार्ड है, ये एक वार्ड में तीन चार वार्ड और इस राज्यों के अंदर कोई शान रखता है इस पार्टी की, तो यही बोल रहे हैं वहां से हमारे पटे से लगा के और यहाँ सड़क पर और आपके समाज का बहुत यातायात या विरासत है और इन्होंने अब जो रिकॉर्ड तोड़ा है मतदाता मत देके वो ऐतिहासिक है। आज पता नहीं जो सूचना थी या नहीं थी लेकिन भीड़ कम वरना इस भीड़ इतनी होती है जिसकी कोई खतरी नहीं है। भाइयों आपसे इतना ही निवेदन है कि इस वक्त लोकसभा का प्रत्याशी कौन है और अपन सबको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और आप सबकी भावना है अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो इसकी ऐतिहासिक सभा के अंदर आप सभी उपस्थित होंगे और ज्यादा से ज्यादा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए आप बात करें और आपका मत इस सम्मान बनने वाले खाते में जाएगा और हनुमान बनने वाले का लोकसभा में जाता है तो ये बोली मोदी जी को पूछेगा। अपन को जात पात से ऊपर उठ के आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी करता है और इसलिए ये पद और ये जो सदा अपने रिकॉर्ड बढ़ाया है इस वो कायम रहे और ये युवा पीढ़ी है उससे मेरा निवेदन है कि अगर आपका कमजोरी आती क्योंकि आप इस लालू की धरकर है भारतीय जनता पार्टी के लिए पति से लगा के और प्रजापति इसलिए आपसे आदरों की मेरा प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा 6 तारीख को अपना इस बार निशान आया टाइम आप ये सुनिश्चित करना कि फूल काम गया क्योंकि ये सीट समझौते पर नहीं है और पार्टी ने विशिष्ट निर्णय लिया है कि हनुमान बेनीवाल को 10 सीट प्रचार करवाया है तो उसका जो चिन्ह मिला है उसे वो ट्रायल का निशान है 2 नंबर का बटन है और अच्छी तरह से मशीन में आ गई है कि युवाओं से कह जाओगे सभी को आराम से समझा के और चौधरी को जिस तरह से आप सब मनाते हैं उसके रूल नियम मत देके और इस मोहल्ले और इन पूरी वार्डो से कोई हनुमान को ऐतिहासिक जीत दिलावे क्योंकि अपने विधानसभा चुनाव लड़ा था और कितने प्रत्याशी ठाकुर साहब जगन्नाथ जी है वो निर्दलित थे आज सब एक मंच पे है इसलिए किसी भी सूरत के अंदर ये चुनाव लाल मुसे से पीछे नहीं लड़ना चाहिए। ग्रामीण में हम आपसे जवाब दे लेते हैं कि किसी भी सूरत में कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारी गारंटी है लेकिन राज आप लाल मुसे कभी बात आएगी इसी के साथ जयवाल सबका जोश और उत्साह देखकर ये बात तय है कि आगामी 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर लातनू शहर का जो भारी जन समर्थन मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। लंबी बात नहीं करते हुए मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि कल डीडवाना के मेगा स्टेडियम के अंदर
हिंदू हमने सम्राट योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बहुत ही विशाल जनसभा हुई थी। लाजमोहन डिडवाना के इतिहास में इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई है। उनमें उन्होंने एक ही बात मुख्य रूप से रखी थी कि अगर मोदी जी को मजबूत करना है, फिर से राम राज्य की स्थापना करनी है, तो राम जी का दूत बनाकर हनुमान को नागौर से दिल्ली पहुंचाना है। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है कि हनुमान जी केजरीवाल और नरेंद्र जी मोदी तो हमारे सामने ऐसे चेहरे हैं जिनके देखकर हम वोट कर सकते हैं। हमारे पास कहने का बहुत कुछ है। कांग्रेस के कोई प्रत्याशी हो, कोई भी नेता हो, उनके पास कहने को तो यह भी नहीं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, उनके पास नाम नहीं है। हमारे पास तो इतने सुचारू नाम है, इतने कर्मठ लोग हैं, चाहे मोदी जी की देश भर में चलाई गई पिछले 5 साल की योजनाएं हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, या फिर हनुमान जी बेनीवाल का राजस्थान के जवान किसान आम दलित युवा शोषित पीड़ित के लिए किया गया पिछले 15 सालों का संघर्ष हो, दोनों हमको भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी का जो गठबंधन नागौर जिले के अंदर एनडीए के उम्मीदवार है उनको वोट देने के लिए मजबूर करता है, इस बात को हमें समझनी है। मोदी जी को और अधिक मजबूती देने के लिए हमें तो इस बात का गौरव होना चाहिए कि मोदी जी ने वास्तव में हनुमान जी बेनीवाल पर इस बात के लिए भरोसा किया है कि राजस्थान की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद अपने स्तर पर चुनाव ले रही है और नागौर में उन्होंने हनुमान जी पर भरोसा किया है। जब देश का सबसे शक्तिशाली आदमी माननीय नरेंद्र जी मोदी अगर हनुमान जी बेनीवाल पर भरोसा करते हैं तो हमें तो आंखें बंद करके उन पर भरोसा करना है। इस बात को आप ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा मैं मेरे चैनल 2 पे चुनाव चिन्ह और लाडू शेर से कम से कम 15,000-10,000 की टीम लेकर नेताजी जाए, इस बात का संकल्प लेकर हमें जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना, आगे और भी बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। बड़ी प्यारी सी मीटिंग में विराजमान सम्मानी को महोत्सव सम्मानी ठाकुर साहब वकील साहब देवना जी बोडक साहब जगदीश जी हनुमान जी काशीलाल जी असीन सारे माथुर साहब इंद्रिज भाई भाई दोनों मात्र सकते दोनों पार्षद उपस्थित मेरे बुजुर्गो युवा साथियों माताओं बहनों प्यारे बच्चे हनुमान बेनीवाल जी के लिए हम लोग आपके पास आए। हनुमान बेनीवाल जी का क्यों मदद करें इस पे भी अभी चिंतन पर हम लोग इतने क्यों भाग रहे हैं उनके लिए लंबी बारी बात वकील साहब ने भी बताई तो कर दिया आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं। हनुमान बात लंका की हनुमान की रावण की बोली बात यह है कि नागौर जिले में एक धरती पुत्र पैदा हुआ जो अपने दम का खड़ा हुआ ना वो ऊपर से थोपा हुआ ना कोई हेलीकॉप्टर से आया है ना कोई वैल्यू से आया है ना उसके बाप दादा कोई बहुत बड़े रईस खानदान थे खानदान से थे ना कोई बहुत बड़ा पैसे वाला अमीर से एक गरीब समाज से उठा मजबूती से अपने आप को खड़ा किया और अपना नाम खुद ने अपनी मेहनत से कमाया और आप देखिए कि उसकी गूंज मोदी जी ने उनकी बात को समझा यार उभरता हुआ नेता है किसानों का हितैषी है गरीबों का हितैषी है दलितों का हितैषी है आम आदमी की बात सुनने वाला है ऐसे आदमी को अगर नेता बना के आगे बढ़ाया जाए तो निस्संदेह रूप से उस जिले का और वहां की जनता का यह भला करेगा और ये पक्की बात है कि जो आदमी अपनी जमीन से खड़ा होता है जो आदमी जमीन से जुड़ा होता है उसकी जड़ें बड़ी गहरी होती है और जिसकी जड़ें हैं जमीन में गहरी होती है वो आदमी के आम इंसान के दुख दर्द को अच्छी तरह समझता है और हम ऐसा ही नेता चाहते हैं जो भारत की राजधानी में दिल्ली में जब संसद में बात चले तो आम आदमी की बात को आम आदमी की समस्या को मजबूती से वहां पेश करें और वो ही कर सकता है जो इन समस्याओं से जूझा है जो तकलीफों को समझता है वो आदमी बड़ी मजबूती से अपनी बात को वहां रखेगा। नागौर की बहुत सारी समस्याएं नागौर हमेशा बड़े बड़े लीडर हुए हैं विदेश मंत्री रहे कृषि मंत्री रहे गृह मंत्री रहे विदेश मंत्री तो बहुत बड़ा पद होता है
भारत सरकार का विदेश मंत्री बहुत बड़ा पद है, लेकिन नागौर हमेशा विकास में पीछे, जरूर पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में नागौर जिले में थोड़ा ध्यान दिया गया, पानी पर ध्यान दिया गया, सड़क विकास पर ध्यान दिया गया, लेकिन अगर ये हमारे पुराने नागौर जो नेता हुए हैं वो नागौर जिले का ध्यान देते, वो सारी चीजें आज हम एजुकेशन में पीछे है। मैं जोरी स्कूल में पढ़ा हूँ, आप देखिए आज उस स्कूल की जब हम पढ़ते थे 1980 में और आज की स्थिति में रहते हैं, एजुकेशन का स्तर गिरा, आजादी के 70 साल बाद हमको पीने का पानी का मीठा मिल रहा है, वो ठीक है, चलो आएगा, क्योंकि वो इसका कारण है। 25 दिन केनाल की सफाई चल रही थी, आपको निवेदन करें, नहर से जो पानी आ रहा था उसका सफाई का चल रहा था, सफाई करके अब उसको पानी को बाहर भी रहते होंगे, मैं मुझे नीदरलैंड जाने का मौका मिला, नीदरलैंड में केनाल सिस्टम और विश्व का सबसे अच्छा अगर कहीं सिंचाई का सिस्टम है तो नीदरलैंड में। और आपको बताना चाहूंगा कि समुद्र के लेवल से 3 फीट नीचे उनका लेवल, पानी हमेशा एक लेवल में रहता है, लेकिन उन्होंने केनाल जो सिस्टम किया है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, हनुमान जी देनीवाल, परम सम्माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह परम आदरणीय हरीश जी भाई कुमार साहब, आदरणीय हमारे लाडियों के, हम सबके लाडले चाहे थे ठाकुर मनोहर सिंह जी, विधायक पूर्व विधायक, परम सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के सदस्य और हम सबके सीनियर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आदरणीय राठौर साहब, पूर्व प्रधान जगन्नाथ जी साहब, भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष परम आदरणीय हनुमान जी, जहांगीर साहब, नीतीश जी माथुर साहब, सुशील जी की कन्या, मेरी छोटी मेरी बहन कंचन जी, और इस वार्ड के और तीनों वार्डो के बुजुर्गो, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, आज हम लोग सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और रालोपा पार्टी संयुक्त एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार परम सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब लोकसभा के लिए चुनाव के टिकट लेके हम लोगों के बीच में आए हैं। हमारा समझौता हुआ है इस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान जी बेनीवाल को हम लोगों के बीच में इसलिए भेजा है कि वो एक जुझारू नेतृत्व है और वो पूरे राजस्थान में गरीबों के, किसानों के, मसीहा के रूप में हमारे बीच में है। पूर्व में वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में काम कर रहे हैं, 3 बार वो विधायक रहे हैं, उनको हमें क्यों वोट देना है, आप सबको पता है। पूर्व में बीएल भाटी साहब, जगदीश सिंह जी, सबने बताया, उनकी बातों से मैं पूरी सहमत हूँ। अगर मैं कामों को गिनाऊं तो सुबह से शाम तक आज भारतीय जनता पार्टी का काम गिनाने के लिए मुझे टाइम लगेगा। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक सिलेंडर हम लोगों को, बीपीएल लोगों को, सभी लोगों को मिले हैं और धुआं मुक्त भारत को बनाया है, शौचालय बनाया है, सड़कों में आप लाडों में इतना विकास हुआ है जितना इन वार्डों में पिछला 65 साल और ये 5 साल का आप तुलना करेंगे तो वार्ड पार्षदों ने कितना काम किया आप लोग खुद देख लीजिए कि कौन सी गली में सड़क नहीं बनी है। और आज कचरा संग्रहण का काम डोर टू डोर आप लोगों के बीच में हुआ है, ये तो हमारे वार्डो का काम है, लेकिन ये चुनाव भारत की सुरक्षा के लिए चुनाव है, देश की दशा और दिशा को बदलने का चुनाव है। और भारत में 2 प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही है, आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे हैं कि आजकल क्या चल रहा है, आज ही नहीं आप लोग देख रहे हैं कि कैसे आतंकवादी लोग हमारे ही घर में आकर हमारी भारत माता को कैसे कमजोर बना रहे हैं, परंतु ये 70 साल पहले के खोदे हुए खड्डे हैं।
तो इनको हम लोग अब बंद करने के लिए मोदी जी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। और प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को हम लोग यहाँ से चुनकर भेजेंगे। तो 6 मई को अभी आज तो 3 तारीख हो गए, 6 तक हम सभी वार्डों के लोग सोएंगे नहीं। आप सब एक चौकीदार के रूप में काम करेंगे, क्योंकि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये कहा है कि हम सब चौकीदार हैं और हमारे वार्डों की सुरक्षा हम लोगों को करनी है, हमारे घरों की सुरक्षा हम लोगों को करनी है, हमारे राजस्थान और हमारे सिटी की सुरक्षा हम लोगों को करनी है। खाली अकेले नरेंद्र भाई मोदी या हनुमान जी बेनीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और रालोपा के उम्मीदवार को 6 मई को अधिक से अधिक वोट देकर जिताएं। पहले तो ये काम करें और हनुमान जी आपके लिए कोई कमी नहीं रखेगी, ये पूरी टीम आप लोगों के बीच में हमेशा उपलब्ध रहेगी। जब आप लोगों को हमारी जरूरत होगी हम लोग आपके बीच में रहेंगे। हनुमान जी एक सक्षम लीडरशिप है। 6 मई को 2 नंबर के बटन को दबाकर अधिक से अधिक वोट दें। 7 बजे सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जितने बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ कोई कमी नहीं है, हमारे वार्डों के सब बुजुर्ग पिता मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, तो ये लोग अधिक से अधिक काम करने वाले हैं। उन्होंने समाज को और दुनिया को दशा और दिशा दिखाई है। तो एक मैं आप लोगों का विश्वास चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक वोट करेंगे। सभी लोग चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर काम करेंगे, तो सब लोग हम लोग ज्यादा से ज्यादा सारे वार्डों से हम लोग वोट गिराएंगे और मेरी कहाँ भी जरूरत होगी हम लोग उसमें रहेंगे। ये कहते हुए आपसे विश्वास चाहती हूँ कि भाई हनुमान जी को अधिक से अधिक वोट दिलाकर उनको जिताए और एक बार पुनः देश में राष्ट्रवादी सत्ता को हम लोग ठाकर दे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। ये कहते हैं जय हिंद जय भारत। टीम देंगे वो अपने आप ले पढ़ लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने पूर्व विधायक मित्र साहब भाटी जी, जगदीश सिंह जी, अंजना जी, जगदीश जी भारी, हनुमान जी, मुकेश जी, सभी पार्षदगण, लाडनो के सम्मानित नागरिकगण, आने वाली 6 तारीख में भारत की लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में आपने सामने भारतीय जनता पार्टी और रालोपा का संयुक्त उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल है। भारतीय जनता पार्टी भारत की नई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उन्होंने इस पूरे राजस्थान में 24 सीट जीतने लड़ने का फैसला किया और 1 सीट जो नागौर में जाई जन्मी पार्टी है हनुमान जी बेनीवाल को, जिनकी पहचान इंडिया लेवल पर हुई और उनकी जो ताकत थी उसका उपयोग नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से 1 सीट हनुमान जी बेनीवाल को दी गई और 24 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की बात हो। फायदा हो कि आसपास की जितनी भी सीटा ही बिम हनुमान जी प्रचार करें और 1 सीट हनुमान जी खुद लड़ रहे हैं, जिम्मे चुनाव बीजेपी लड़ रही है, टिकट हनुमान जी की खुद की पार्टी की है। अबार जगह पिछला भेज का चुनाव हुआ 29 तारीख में, बिम हनुमान जी बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर पांच सीटों पर प्रचार कर आया और कल बीकानेर सीकर और जयपुर सीट पर भी प्रचार करने गया, पर टाइम बहुत कम मिले, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र को करीब करीब दौरों में सब लोग साके रह हर पंचायत वाइज कर लियो। शहर के लिए टाइम हाल मिले को नहीं मिली तो एक बार कोशिश करा और शहर की आप लोगों की टीम अंतिम मजबूत है। अब 2 दिन को टाइम है, बहुत कम टाइम है और शहर में आपने कैंडिडेट के थे पीछे बने पर शहर को जिम्मेवारी आप लोगों की है
और माओ को ऐसे सहयोग हुए तो मानने भी गई जो बाकी दो तीन दिन हाल में लगे शहर में करंट आयो जबकि स्थिति लागे पर दो दिन है कितो शहर है कत्ता अपना कार्य करता है जो को वोटर है जो कह के घर घर ताई अपनी आवाज एक बार उठनी चाहिए लोग आ दो दिन में अपन तो प्रचार करना है और आज की तारीख में आप सीट ने जीते रहा लेकिन दो दिन माहौल बनाए रहा था कि माहौल का जगह वोट है बेटी तक गिराना वो आपका काम है जो भी मंच से बातें हो रही है शहर को कमजोर मानते हैं तो अपने को तो यही लिखाना है कि शहर में कमजोरी वाली बात नहीं है। हाँ शहर वाले गांवों की तरह दो दो बजे रात तक नहीं बैठ सकते ये मैं मानता हूँ लेकिन वोट देने के पीछे न तो पहले कहीं क्षेत्र से रहे हैं न अब रहेंगे थोड़े बहुत लोग ऐसे जो रविंद्रनाथ जी ने बताए कि हम इतने ज्यादा नहीं बने बेरो है नहीं तो ये तो बना रेलवे छठी पट्टी तक छाप ही समझो कांग्रेस का वोट एक से नहीं मिलेगा चुनावी सभा में उपस्थित ठाकुर रमन सिंह साहब जगदीश सिंह जी बी एल भाटी जी कुलदीप साहब दोनों पार्षद महीने और यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी सभी सामने बैठे प्रदीप साहिबान जहाँ साथी दोस्तों मित्रों ये चुनाव न जाति को है न कोई पार्टी को है तो विशेष प्रकार का चुनाव है औरंगाबाद को चुनाव है देश को चुनाव है और सब लोग जब है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और एनडीए की सरकार बने और ज्यादा से ज्यादा सीटा अपने आवे ये बात को चुनाव है ये वास्ते चार टर्म को चुनाव हो चुके है और वहां का जहां विश्लेषण आ रहा है सर्वे रिपोर्ट आवे है बीमा नक्की है साढ़े तीन सौ से चार सौ सीटा अपने हासी नक्की बात बार आप लोग की हो और हनुमान जी बेनीवाल जब चुनाव चिन्ह टायर है ट्यूबलेस है पंचर कोली हुए लेकिन जिस हनुमान जी को नाम आयो हो कांग्रेस वाला एक खेल छोड़वा की कई तैयारियां करें देखो भी सावधानी से ध्यान रखो जरूरत है एक हनुमान बेनीवाल से बेनीवाल और पकड़ लिए देखो चिन्ह गेंदी और बोतल भी नाम को प्रभा को जो प्रणाम चिन्ह आपने कई निर्दलीय ने खड़ा कर दिया ताकि उनका वोट काटे और कोई मकसद नहीं है न तो कोई चुनाव जीतवा है न कोई पार बनवा है लेकिन ये भारत माता का नुकसान पहुंचाने वास्ते लोग खड़ा है
तो बहुत को ध्यान रखने की जरूरत है, कभी अपने वोट बेकार नहीं चले जाए, ये बात को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कोई जाति की बात कर ले, कोई बात कर ले, वो चुनाव देश को चुनाव है, देश क्या मजबूत हुए, देश के मान सम्मान क्या बढ़े, अपना मान सम्मान क्या बढ़े, ये बात की जरूरत है। आज आप टीवी देखो जो मीडिया कई जगह सोचना इकट्ठा हुआ है, जगह जगह पूछे बोलो पुण्य वोट देशियो, तो कोई 8-10 लोग तो कहते विरोधी पार्टी की, बाकी 90 लोग है कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी ने देशियो में सारे सब लोग लाग रखे हैं। ये वास्ते आपने खुला रूप में केवल जरूरत है, कई लोग आवे ना अबे केवल हमें तभी जाति कहा हो रहा, लेकिन मेरी सावधानी बरतने की जरूरत है, वो वोट आवन बेकार नहीं जावे, भारत माता को नुकसान नहीं हो जाए, बात पे सोच कर बचा उसका। आज आप सब मिलकर आप लोग मान सम्मान बढ़ावना, यदि तो एक जाति से कोई चुनाव जीते है जब हर कोई जीत जाए, 36 कौन लागे जो चुनाव जीते जाए, एक जाति का चुनाव नहीं जीते जाए, इस वास्ते राजनीति में सबसे संपर्क और काल थे डिडोना मीटिंग देखी, तभी मैं जो गजेंद्र सिंह जी बोले, जो अर्जुन जी मेघवाले बोलिया, भाटी जी भी बोलिया, मदन सैनी भी बोलिया, और कई जब रूपा राम जी मोरा होता है, कई एमएलए सब लोग बोले, तो एक सामाजिक समरसता देखी कि देखी सारा सब जाति का लोग आई कह रहे हैं हनुमान मिलने वाले जीता, तो सब लोगों की इच्छा है कि आप सब मिलकर एक बार 25 वाला मिशन है वो पूरा हो, राजस्थान को आज 13 जगह चुनाव हो चुके हैं, जो सर्वे रिपोर्ट आई वो आप सब लोग देख ली थी, 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के, अब हमारे सीटों में कोई कमी नहीं हुई, तो 25 की 25 सीटें आवेली, और आप लोग सबको मान सम्मान बढ़े दो, हनुमान बेनीवाल जी का वास्ते है, कई लोग के है, बहुत बढ़िया आदमी है, और आपने साथ देकर आपने ढाल बनकर काम करना है, क्योंकि तो बाहर एमएलए है, यदि मैंने चुनाव नहीं जीता तो एमएलए नहीं बढ़ा है, लेकिन आपने वास्ते चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के पास चुनाव लड़ रहे हैं, आप हमारे वोट देना नरेंद्र मोदी जी की दावत, इस वास्ते कोई आप नहीं सोचे कमी को फूल खटे, इनमें तो जो टायर है कोई कमी को फूल है, इस वास्ते नंबर 2 पर आपको जो मेरे के नाम है आपका निशान है, बड़े से वोट देवे, और की बात में ग्रहणियों की तरह घर घर जाकर समझा हुआ जरूरत भी, क्योंकि कहने समझ में नहीं आवे तो बात समझा जी, और गणेश गणा वोट बढ़े, वोट तो बहुत सारा है, लेकिन फिर सब पेटी में आ जाए, ठीक है वास्तव काम करवा जरूरत है, 2 दिन का समय है, इनको खूब मेहनत करके सिर्फ काम करो, और आप लोग इतनी देर तक रहकर और सभा ने बढ़िया आयोजन करो, ठीक है वास्तव आपको बहुत बहुत आभार, जय राजस्थान। हमारे नाव के पूर्व विधायक राज्य मंत्री हरीश जी कुमाऊ साहब, लाडनगर पूर्व विधायक ठाकुर मनोहर सिंह जी, जगदीश सिंह जी, सीएल भाटी साहब, जगन्नाथ जी लोटक साहब, हनुमान जी एवं पार्षदगण, मातृशक्ति और लाडनो शहर के विभिन्न वार्डों से पधारे हुए समस्त मेरे भाइयों बहनों माता, जैसा कि मेरे से पूर्व में सबने आपको बता दिया है, हमें आने वाले 6 तारीख को लोकतंत्र के इस महापर्व में भूमिका निभानी है और टायर पर अपना मतदान करना है, और ये टायर ही कमल के फूल में परिवर्तित होके और 24 सीटों को अपने साथ ले जाके केंद्र में दिल्ली की हमारी सरकार बनाएगा, भारत की जो कुल 545 सीटें हैं उनमें नागौर से हमने सांसद तो कई बनाए, लेकिन यदि इस बार इस शहर को जीताकर और लोकसभा में भेजेंगे तो ये लोकसभा के अंदर पूरे देश के अंदर अपने नागौर जिले का नाम रोशन करेंगे, और जिस प्रकार से विधायक के रूप में विधानसभा में दाड़ते हैं उसी प्रकार सांसद के रूप में लोकसभा में दाड़ेंगे, तो उन्हें मेरा आप सभी से यही आग्रह है, आचार संहिता का टाइम हो गया है, 10 बजे तक ये सभा की जा सकती है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरे मंच ने आपको बता दिया है, और हमारे में यही कमी है कि मतदान का प्रतिशत कम रहता है, तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि 6 तारीख को सुबह 7 बजे से ही हम 2 घंटे में पूरा मतदान करवा दें, अपने आसपास पड़ोस में आमने सामने जो भी रहने वाले हैं उनसे अधिक संख्या में मतदान करवा कर, और भाई हनुमान जी बेनीवाल के टायर के निशान पे वोट दिलाए, आप सब लोग इस सभा में
बाहर से पधारे हुए एवं इन विभिन्न वार्डों से पधारे हुए सब ने इस सभा में शिरकत करके हम सब को सुना, हमारा सम्मान सम्मान किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत। चुनावी सभा का मुख्य आकर्षण भारतीय जनता पार्टी नागौर जिला का हरीश जी कुमावत लाठी का लोकप्रिय पूर्व विधायक डॉक्टर मनोज सिंह जी, पूर्व प्रधान जगन्नाथ जी, बी एन भाटी साहब, भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल का अध्यक्ष हनुमान जी जहांगीर, पार्षद अंगना जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष कंचन जी और कठपदारे बुजुर्गा नौजवान साथी। महत्वपूर्ण बात मारो पूर्व का वक्ता आपने बता दी, विशेष बात आई ध्यान में रखने की, चुनाव इस देश की अस्मिता को चुनाव, इस देश की रीति नीति निर्धारण करने वाला चुनाव है। ये जगह क्षेत्र है पांचवी पट्टी में ले रहे हो, पूरा क्षेत्र आपका क्षेत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, कोई अतिशयोक्ति को नहीं और कोई किसी प्रकार को संदेह करने वाली बात नहीं होती। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ देश का टुकड़ा करने वाला लोग, एक तरफ वो व्यक्ति है, वो पार्टी है जिनकी देश ने दुनिया में गौरव दिलाया, तो आपने ये बात को ध्यान में रखो, एक भी वोट भरे नहीं रह जाए, एक भी वोट भरे नहीं रह जाए, ये वास्ते सक्रिय रहता हूं, हमारे युवा साथ मैं निवेदन करूं कि वो दो दिन को समय आप देश के वास्ते समर्पित करो और एक एक घर में एक एक मतदाता ने वो चुनाव चिन्ह बताओ और वो एक संकल्प लो कि सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आप आपके क्षेत्र के मतदान करवा जैसे और भारी मतलब आप हनुमान जी बनीवाल ने जिकार भेजा इस देश को गौरव स्थापित करा और एक संकल्प लेवा इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी बने, इस वास्ते आप संकल्प के साथ आज की सभा के बाद में तुरंत प्रभाव दो दिन के वास्ते देश की अस्मिता के वास्ते आप आपको योगदान दो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप माँ की बात सुनी, माँ की बात पर विचार करते और पूरे मनोयोग को भारतीय जनता पार्टी का समर्थित प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल ने भारी मतों विजय बना लोकसभा पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत जय।